आइए हम सब जय जयकार के साथ यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार. यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार. यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार. जय हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार. हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जय, यीशु मसीह जय. हालेलुया, हमेशा की तरह बोल यीशु मसीह की जय. बोल यीशु मसीह की जय. मेरे प्रिय सत्संगियों, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं. और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे बीच में मेरे पिता समान पास्टर यहाँ पे मौजूद है. और आज इनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो वो कम होगा क्योंकि इनका योगदान इस कलीसिया के लिए बहुत बड़ा है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. आइए हम पास्टर मिथुन शर्मा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. जोरदार. बोल यीशु मसीह की जय. बहुत निराले होते हैं खुदा के काम, बहुत ही अनोखे. जब वो दो लोगों को जोड़ता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कहा है कि जिस तरह वो आसमां जमीन से ऊंचा है उसी तरह उसकी सोच, उसके तरीके, उसके काम हमारे काम से कई ऊंचे हैं. इस सत्संग से, आपके पास्टर से, आप सभी लोगों से मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है. आज मैं यहां पर आया हूं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने. इस कहानी को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए एक ऑफर है. एक पिता अपने बेटे और बेटे के दोस्त के साथ अपनी नाव में समंदर में सैर करने निकला था. सैर करने की इच्छा से वो चलते गए, चलते गए. काफी दूर जाने के बाद अचानक मौसम खराब हो गया और समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया. इस कारण उनकी नाव समंदर की लहरों में गोते खाने लगी. पिता नाव चलाने में तो एक्सपर्ट था पर फिर भी उस नाव को वह काबू में ना कर पाया. आखिरकार उनकी नाव उलट गई. अब तीनों पानी में थे और तूफान जोरों पे था. पिता जो है किसी तरह एक रस्सी के सहारे उस नाव तक वापस पहुंचता है और नाव पर फिर से चढ़ जाता है. और ऐसे में वो क्या देखता है? वो देखता है कि दोनों लड़के, उसका अपना बेटा और बेटे का दोस्त, नाव की अलग अलग दिशा में गिरे पड़े हैं पानी में, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ. बहुत ही कम समय में उसे यह फैसला लेना था, महत्वपूर्ण फैसला, कि वो पहले किसको बचाए. एक तरफ था उसका अपना बेटा जो कि विश्वासी था और दूसरी तरफ उसके बेटे का दोस्त जो अविश्वासी था, जानी वो प्रभु को नहीं जानता था.
क्षण भर के समय में उसे यह फैसला लेना था, सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं। क्या आप अनुमान लगा सकते उस पिता ने क्या किया? सही है, सही कहा आपने, बहुत ही दुखी मन लेकर, क्योंकि कहना तो आसान है, बहुत ही दुखी मन लेकर अपने बेटे की तरफ चिल्लाया, आई लव यू सन, आई लव यू, और अपने बेटे के दोस्त को बचाने गया। जब वो उस बेटे के दोस्त को नाव की तरफ खींच रहा था, उसी वक्त में उसका अपना बेटा समंदर की उन लहरों में गायब हो गया। बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कोई नामो निशान नहीं मिल पाया उसका। पिता जान गया था कि उसका अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका होगा। और वो ये नहीं चाहता था कि उसके बेटे का दोस्त बिना सच्चे खुदा को अपनाए इस दुनिया से चले जाए। इसीलिए उस बेटे के दोस्त की आत्मा को बचाने के लिए, उसके रूह को बचाने के लिए, उसने अपने खुद के बेटे का बलिदान कर दिया। ऐसा ही हुआ था बेटा। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, क्योंकि उसने भी तो हमारे लिए यही किया है। उसने भी तो अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दिया क्रूस के ऊपर, ताकि हम बच जाए। इस कहानी के माध्यम से जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो ये है कि आज अगर आपके और प्रभु के बीच में, आपके और परमेश्वर के राज्य के बीच में कोई ऐसी चीज है जो अड़चन बनकर खड़ी है, तो उसे हटा दे। एक पैस्टर होने के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आज इस सत्संग में आप फैसला करें कि आज आपके और आपके खुदा के बीच कोई चीज नहीं आ सकती। भले ही वो आपको कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी जरूरी हो, उसका बलिदान कर दीजिए पूरी तरह से, जैसे उस पिता ने किया अपने खुद के बेटे का बलिदान खुदा के राज्य के लिए, जैसे हमारे आसमानी बाप ने किया अपने एक लौते बेटे का बलिदान हमारे लिए, जैसे यीशु मसीह ने खुद किया अपने राज सिंहासन को छोड़ के एक गरीब कारपेंटर की जिंदगी बिताने वो आ गए सिर्फ हमारे लिए। उनका बलिदान भी मुकम्मल है और वो आज आपसे भी यही उम्मीद रखता है कि आप उसके राज्य में पूरी तरह से आ जाए। आप सब लोगों से मैं विनती करता हूं कि खुदा के इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करें, उसके बलिदान को एक्सेप्ट करें, पूरी तरह एक्सेप्ट करें और जीवन की उस रस्सी को पकड़ ले। वो एक ही है, वो नाम एक ही है, हर नाम से ऊपर, यीशु मसीह। आमीन। हाँ सुरेंद्र बोलो। नमस्ते साहब, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, आपने कहानी तो बड़ी अच्छी सुनाई, दिल को छू गई, पर पास्टर जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कहानी आपने सुनाई ये सच्ची है या काल्पनिक है? काल्पनिक। तुमको क्या लगता है बेटा? पास्टर जी देखिए, मुझको तो ऐसा लगता है कि कोई पिता अपने बेटे को इस आशा में कैसे गवा सकता है कि जिस व्यक्ति को बचा रहा है वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? मुझे तो नहीं लगता। विश्वास, विश्वास का अर्थ समझते हो बेटा? विश्वास, बल्कि मोहब्बत एक विश्वास ही है, एक आशा है। मोहब्बत एक उम्मीद है और गौर की बात यह है कि मोहब्बत एक रिस्क भी है,
यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, तबाह ना हो, बल्कि बच जाए, हमेशा के लिए बच जाए। पर जरूरी बात यह है कि खुदा ने भी ये रिस्क लिया। जब उसने अपने एक लौते बेटे को बलिदान किया तो शायद उसे नहीं पता था कि बाद में क्या होगा, पर उसने विश्वास किया कि दुनिया के सारे लोग उसके एक लौते बेटे को स्वीकारेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस मोहब्बत में, इस विश्वास में उसने रिस्क लिया। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आज आप भी ये रिस्क ले, खुदा के लिए आप रिस्क उठाए, और जो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है उस अथॉरिटी से मैं कहता हूँ कि आपका रिस्क कभी जाया नहीं जाएगा। पास्टर साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, पर मेरा सवाल तो यही है कि वो बेटा जो बचाया गया, वो लड़का जो बचाया गया, क्या उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया? और यदि उसने स्वीकार किया तो अब कहाँ पर है वो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लगता है बताना ही पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से आज जाहिर तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन खुदा के जलाल के लिए शायद ये आज बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और बहुत खुशी होती मुझे ये बताते हुए कि वो लड़का, वो बेटे का दोस्त जो बच गया था, उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। उस पिता का बलिदान जाया नहीं गया, क्योंकि उसने बलिदान किया सच्चे खुदा के नाम के लिए। ऐसा बलिदान कभी जाया नहीं जाता। और सबसे अनोखी बात है कि वो बेटे का दोस्त और कोई नहीं, और कोई नहीं बल्कि आपके चर्च का पास्टर है जो इस वक्त आपके सामने खड़ा है। हाँ, मैं ही हूँ वो, मुझको ही बचाया गया था। उस पिता ने मुझे ही बचाया था। उस पिता ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया ताकि मेरी जान बच सके और मैं यीशु मसीह को जान सकूं। तब मैं अविश्वासी था जब उस पिता ने मुझे बचाया, पर आज विश्वास में आने के बाद मैं जान सका कि वो पिता ऐसा क्यों कर सका, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने बेटे का बलिदान कर दिया था हमारे लिए, और उस पिता ने भी वही किया। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने बेटे को त्याग दिया। आपने ये तो जान लिया कि उस बेटे का दोस्त जिसको बचाया गया वो मैं हूँ, पर क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि वो पिता कौन है जिन्होंने मुझे बचाया था? वो पिता और कोई नहीं, हमारे बीच मौजूद है, जिनका नाम है पास्टर मिथुन शर्मा। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। यीशु मसीह की जय।